तो जनाब, मैं वेस्ट बंगाल से वापस आ गया बहुत सारी यादें और बहुत सारे कहानियों को आपके लिए लेकर। ट्रैवलिंग लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप बहुत सारे अननोन पर्सन से मिलते हो और आपकी कुछ कहानियां बनती हैं, लेकिन मेरी इस वेस्ट बंगाल के ट्रिप में बहुत सारे कहानियां बनी, जिसमें से एक कहानी ये है। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो। सो इस कहानी में मुझे एक इंसान की जरूरत थी, और उस इंसान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना था, और वो वीडियो था टाइम लैप्स की। तुम्हारी खता खुद सजा हो गई, हमारा इरादा तो कुछ भी न था। तुम्हारी खता खुद सजा हो। तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कहाँ पर? तो कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पे, क्योंकि मुझे वहीं पर टाइम लैप्स की वीडियो शूट करनी थी। हावड़ा ब्रिज के ऊपर चलते हैं टाइम लैप्स का वीडियो लेने, और देखते हैं कैसा वीडियो आता है। एंड ये पीछे रहा हावड़ा ब्रिज, बहुत बड़ा सा। अभी थोड़ा सा उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा उधर काम है, फिर आते हैं तो एक टाइम लैप्स का वीडियो लेते हैं और देखते हैं कैसा मतलब वीडियो आता है, और कोशिश करेंगे कि थोड़ा आपको अच्छा लगे। तो पहुंच तो गए हैं हावड़ा ब्रिज पे, लेकिन यहाँ से टाइम लैप्स का वीडियो किस तरीके से शूट करें पता नहीं चल रहा, क्योंकि मतलब क्या बताऊँ, खुद देखो। इस कंडीशन में अगर रोड क्रॉस करने की कोशिश की जाएगी तो देखिए जनाब, हम हैं बनियान, और एक बार अगर ठान लिया कि ये काम करना है तो करना है, यानी टाइम लैप्स की वीडियो बनानी है यानी बनानी है, तो चलिए बनाते हैं। और देख करके आप जरूर बताइएगा कि आखिर में वीडियो कैसा बना था। तो आप हावड़ा ब्रिज पे दो तरीके से आ सकते हो। पहला जो है कि बाय रोड, जो कि गाड़ियाँ चल रही हैं, और जो दूसरा ये है कि नीचे नीचे फेरीज चलती रहती हैं, सो आप फेरी पर बैठकर भी आ सकते हो, बहुत सारे फेरीज चलती रहती हैं। तो दो तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हो। देख रहे हो जो वहाँ पर नीचे जो फेरीज चल रही हैं, तो उसके हेल्प से भी यहाँ पर आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आने में। तो देखिए बात कुछ यूँ है कि हावड़ा ब्रिज से जस्ट आगे आपको पड़ेगा हावड़ा रेलवे स्टेशन, और जैसे ही आप हावड़ा रेलवे स्टेशन को क्रॉस करेंगे तब वहाँ पर आपको पड़ जाएगा फेरीज का स्टॉपेज, यानी फेरीज के लिए जो टिकट मिलती है वो अब वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि टिकट खरीद सकते हो, और वहाँ से अगर आपको हावड़ा ब्रिज के नीचे जाना हो या उस पार जाना हो, क्योंकि बीच में हमारी नदी बहती है, तो नदी के उस पार जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, चाहे नदी का सैर करना हो, चाहे हावड़ा ब्रिज का सैर करना हो नीचे नीचे, तो वहाँ से टिकट मिलेगी और आइए और वहाँ पर घूमिए मजे के। तो देखो वो है हावड़ा ब्रिज, और इधर से हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हैं, और ये वो प्लेस है जहाँ से आपको फेरीज मिलेंगी। तो फेरीज आप पकड़ करके और मतलब कि उस पार जा सकते हो, मतलब चारों तरफ कहीं भी जा सकते हो, और साथ में साथ आपको जो ये जो हावड़ा ब्रिज है उसका अगर नीचे का नज़ारा देखना है कि हावड़ा ब्रिज आखिर में कैसे बना हुआ है, तो वहाँ का आपको अगर नज़ारा वहाँ का दृश्य देखना है तो आप फेरी पकड़ सकते हो, फेरी पकड़ करके आराम से जा सकते हो। तो बहुत सारे फेरीज लगे हुए हैं यहाँ, तो चलते हैं फेरीज से और
उस पार चलते हैं और क्या करेंगे, ठीक ना, क्योंकि जल्दबाजी है हमारे और उनकी बातें मानना पड़ेगा। तो कुल मिला करके चलो चलते हैं उस पार चलते हैं, फिर बात करते हैं वहाँ पर। ठीक, ऐसे फेरी का अगर उस साइड आपको जाना है तो फेरी का जो कॉस्ट है, मतलब टिकट का कॉस्ट है उस साइड जाने के लिए, तो उस साइड जाने के लिए मात्र है 6 रुपये, यानी 6 रुपये में आप उस पार चले जाओगे फेरी से। तो और उधर जाना होगा तो उधर अप्रॉक्स 12, मतलब 12 रुपये, यार इतने बात करते हैं 12 रुपये भाई साहब है। हाँ, एक बात और, जो जनाब हमारे साथ थे और जिन्होंने टाइम लैप्स की वीडियो लेते समय हमारी बहुत ही मदद की, और वो हालांकि कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन उनका तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ा सा रुकिए जनाब, रुकिए और थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए कि थोड़ा सा लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड और बताइए कि अगला ट्रिप कहाँ का होना चाहिए हमारा, ठीक ना, ताकि आपको भी घुमाएं और हम भी घूमें। ठीक, तो एक बात समझ रहे होंगे, मतलब बातों को छोड़िए, बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझिए और शेयर कर दीजिए बस। बाकी नमस्कार।